बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दिला चकवाल के बारे में अमूमी ख्याल है कि ये शहीदों और गादियों की सरजमीन है, और बेशक ये इस इलाके का फ़ख्र है, क्योंकि जिस अंदाज में जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें इस इलाके के नौजवानों ने फौज पाकिस्तान में जो तरतीब दी हैं, ये अब तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल ये इसी उस माहौल में तो ये उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी हज़रत शाह मुराद की भी ये दिला चकवाल सरजमीन है, और बेशक ये इधर इस वक्त दिला चकवाल का जो लिटरेसी रेट 100% हो चुका है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि ये हम हज़रत शाह मुराद के वारिस हैं। तो ये अहले इलम अहले कलम और दानिशवरों की सरजमीन है। तो ये उर्दू और पंजाबी गज़ल के बानी की पैदाइश 400 साल कबल इधर कस्बा खानपुर में जान मोहम्मद नामी एक बुजुर्ग के घर में पैदा हुई थी। तो ये इधर आप दिवालिया सुहावा रोड पर ये खानपुर से आप इधर निकलें, तो यूं ही आप खानपुर से निकलें तो 3 किलोमीटर ये सैदन शाह शिरादी की बैठक अभी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये सैदन शाह शिरादी का मतकन था। तो ये बारह जब ये शाह मुराद का दौर हुआ तो उन्हें, क्योंकि ये अल्लाह के वली थे, तो उनको पता चल गया था कि भाई ये इधर आप ये शाह मुराद एक सूफी और बुजुर्ग इधर आ चुके हैं। तो उन्होंने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि बस इस इलाके का वारस आ गया है, तो अब हम आगे कूच करेंगे। और फिर ये सैदन शाह शिरादी ने इधर चोहा सैदन शाह में अपना मतकन बनाया और फरोग इस्लाम और सारा दीन की खिदमत और रूहानियत की उधर, और कई ये सैदन शाह शिरादी के वाक़ात और इधर फिर हज़रत शाह मुराद के भी कई ऐसे अनहोनी और कई करामात इधर इलाके में सीना बतीना चलती आ रही हैं। तो बहरहाल ये है जी, अभी हम आपको सैदन शाह शिरादी की वो बैठक जो खानपुर से 3 किलोमीटर दूर है, तो ये देखें 400 साल पहले ये एक बिल्कुल एक रूहानी और ये तन्हाई और ये चिल्लों के लिए ये एक बड़ी खूबसूरत सरजमीन ये इधर। तो ये वारल साठ रेंज और ये सूफियों और वलियों की जब सरजमीन हम कहते हैं तो ये हज़रत शाह मुराद की सरजमीन है, सैदन शाह शिरादी की सरजमीन है, ये उधर बरी इमाम की ये करसाल ये जगह है, तो सखी आऊ बाऊ का इधर कल्लकार में, और बहरहाल ये एक रूहानी सरजमीन है दिला चकवाल। तो ये हम आपको सैदन शाह शिरादी की बैठक जो खानपुर से 3 किलोमीटर बाहर डोकटालिया रोड पर मौजूद है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम ये सैदन शाह शिरादी जो तीर गुजरे हैं, तो ये इनका पहले मस्कन ये 1600 ईस्वी में इधर ये खानपुर से ये इधर आप बाहर निकलें तो ये एक बैठक है। तो ये सैदन शाह शिरादी यहाँ पर उस वक्त मुकीम थे और अपनी रूहानी चिल्लों और सारा इस्लाम के फ़रोग के लिए काम कर रहे थे। तो ये उस वक्त जब ये हज़रत शाह मुराद की पैदाइश हुई जान मोहम्मद के यहाँ, तो इन्होंने उधर कहा कि वो दीवा बल गया है, तो वो कि भाई आप इस जगह का वारस आ गया है, तो वो फिर जिस तरह है कि सैदन शाह शिरादी ने फिर इधर से शाह शिरादी ने ध्यान दिया और फिर उधर भी अपनी करामात दिखाई और वो सारा जो चश्मा सैदन शाह शिरादी का लेकर अभी अब्दुल गफूर ये साबरी इधर मुकामी इधर मौजूद हैं। तो के दस्ते जी सारा उस वक्त 400 साल बाद जान मोहम्मद बुजुर्ग सन वो भी जान मोहम्मद जी उन्होंने शाह मुराद की पैदाइश हुई है, उनके घर वो बसेरा करते थे, तो वो तो पैदाइश हुई है, तो इन्होंने आग लेने के लिए बाकी अभी मरीज भेजा है, तो उन्होंने मना कर दिया आग नहीं मिलती क्योंकि अभी जिस धरती का मालिक जाग गया है। अच्छा, तो फिर उधर बाबे ने ऐलान किया सैदन शाह शिरादी ने कि भाई मुरीदों को बोला यहाँ से कूच करो, इधर इस जगह का वारस आ गया है, वो उनका इशारा शाह मुराद की तरफ था। शाह मुराद की तरफ, तो फिर अभी हज़रत शाह मुराद फिर इधर ही बड़े पड़े सारा फिर वो यहाँ से जब फौत हुए तो उधर तकिया शाह मुराद में क्यों दफन किया, खानपुर में क्यों? पहले यहाँ दफन देने यहाँ से निकालो पानी नज़दीक आ गया था, पानी इस वजह से उधर फिर ऊंची जगह है वो शाह मुराद जो है जिधर अभी इधर शाह मुराद का जो मदार है। अभी सुना है कि क्यामत के नज़दीक एक दफ़ा और वहाँ से कूच करेंगे, उधर करेंगे अच्छा क्यामत आने से पहले एक दफ़ा और कूच करेंगे, वो सब पानी चढ़ दे या कोई और वजह हो। हाँ चलो बहरहाल, ये तो अभी तारीख का सफर है।